नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पेड क्विजेज जो हम लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन सा पेमेंट बैंक जो है वो बना है। ठीक, तो आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली मई 2022 में जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम है इसको दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इसमें जो डिजिटल पेमेंट पार्टनर बना है ये पेटीएम है। ठीक, ऑप्शन ए को चुनेंगे। अप्रैल 2022 में जारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 19 के दौरान भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ठीक है, तो देखिए जो ये डेटा आया था अभी इसमें, तो जो एक्सट्रीम पावर्टी काउंट है तो वो 2011 के रेफरेंस में अराउंड 22.5% था। ठीक है, जो कि अब डिक्लाइन होकर के 12.3% की गिरावट के साथ अब जो है 10.2 पे आ गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ पे जो कमी आई है वो 12.3 की है। ठीक है, तो अभी जो एक्सट्रीम पावर्टी का रेट है वो इतना है, लगभग 10.2%। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी को चूज करेंगे, डेटा इंपॉर्टेंट है अभी, इसको ध्यान रखिएगा। 26 अगस्त 2022 को इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है तो उसकी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। ठीक है, यानी कि डिजिटल माध्यम में जो कोर्ट रूम के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको ब्रॉडकास्ट किया गया, जो कि और लोग भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसी क्रम में पूछा जा रहा है आपसे कि 2018 वर्ष में लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति जो है इनमें से किस मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदान की थी। ठीक है, तो 2018 में एक केस आया था स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसमें जो है 3 जजेस की ये बेंच थी, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, है ना, डी। तो इन्होंने ये जो है रूलिंग दी थी कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस हैं उसका लाइव टेलीकास्ट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। ठीक, तो डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। और अभी रिसेंटली ये ध्यान रखिएगा कि 26 अगस्त को जो है फर्स्ट टाइम जो ब्रॉडकास्ट हुआ है लाइव टेलीकास्ट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का, तो जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, ठीक है, तो उनकी जो प्रोसीडिंग वाली कोर्ट थी उसकी जो है ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, पांच सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया जाएगा या उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो जो टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे इस बार जो है विज्ञान भवन में ये अवार्ड दिए जा रहे हैं टोटल 46 जो टीचर्स हैं। महाराष्ट्र स्टेट का पहला दिव्यांग पार्क जो है किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो जो स्पेशली एबल्ड हमारे पर्संस हैं दिव्यांग, जिनको पहले विकलांग नाम से जाना जाता था, तो इनसे संबंधित जो फर्स्ट पार्क है दिस विल बी सेटअप इन नागपुर। हाल ही में यूक्रेन ने अपना 31वां स्वतंत्रता दिवस जो है किस दिन मनाया है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने हाल ही में अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है, तो इसमें यूक्रेन ने मनाया है जो है 31st इंडिपेंडेंस डे 24 अगस्त को। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि इन्होंने जो है किस देश के अगेंस्ट में कह लीजिए इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी, जरा ये बताइए। तो अनंगताल झील को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, तो ये झील कहाँ स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो अनंगताल झील जो है ये दिल्ली में है, साउथ दिल्ली का जो कुतुब मीनार वाला एरिया है उसके कॉम्प्लेक्स के अराउंड में है ये अनंगताल झील, और जो है हिस्टोरिकल एक झील है ये कह लीजिए, जो 11th सेंचुरी के रूलर रहे तोमर किंग, है ना, अनंगपाल तोमर, ठीक, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसको एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट जो है रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है, तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाल ही में किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक, जो कि भारत के लिए कह लीजिए, नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, ये अभी जो है हमारे भारत के पूर्व में इकोनॉमिक एडवाइजर रहे थे। ठीक, तो इनको इस पोस्ट पे जो है अपॉइंट किया गया है, और अभी सितंबर 2022 से नेक्स्ट 3 साल के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है।
डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में अभी जो है अगले व्यक्ति कौन जो नियुक्त हुए हैं ये बताना है। तो इनका नाम है समीर वी कामत। केंद्र सरकार ने यूपी यानी उत्तर प्रदेश की परिवार कल्याण कार्ड योजना को मंजूरी प्रदान की है, जो प्रत्येक परिवार के लिए कितने अंकों का एक आईडी नंबर प्रदान करेगी। ठीक है, तो अभी जो ये परिवार कल्याण कार्ड योजना जो है इसको मंजूरी दी गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, अब यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिला है इसको। तो इसमें जो है प्रति जो फैमिली है, ठीक है, उसको एक यूनिक जो कह लीजिए 12 अंकों का है ना डिजिटल आईडी नंबर जो है प्रदान किया जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है ना 12 नंबर का, तो कुछ उसी प्रकार से ऐसा होगा ये। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 25 से 26 अगस्त 2022 के मध्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री यानी कि जो लेबर मिनिस्टर्स हैं सभी स्टेट्स और यूटीज में, ठीक है, तो इनके राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी कि नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है इसको आयोजित किया है। तो कहां पर आयोजित किया है ये बताना है, ठीक। तो डेट भी याद रख सकते हैं आप और ऑर्गेनाइजर कौन है, यूनियन जो लेबर मिनिस्ट्री है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, तो आंध्र प्रदेश में जो है इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। किस देश की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एंजेला मर्केल काफी चर्चित भी रही थी, ये जर्मनी की जो है चांसलर हैं, जैसे चांसलर बेसिकली जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है तो वहां पे जो है ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको चांसलर के नाम से जाना जाता है, ठीक। वर्तमान चांसलर कौन है वहां का जरा कॉमेंट करके बताइए। तो इनमें से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने की खोई, खोई का मतलब यह है कि जैसे गन्ने के अंदर जो छिलके के अंदर पल्प होता है, ठीक है, तो उससे जाइलिटोल, ठीक है, इस नामक चीनी के एक सुरक्षित विकल्प यानी कि जो हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो उसके अल्टरनेटिव का एक उत्पादन करने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड समर्थित फर्मेंटेशन यानी कि जो किण्वन होता है उसके विधि की जो है यहाँ पे इसको विकसित किया गया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ये है IIT गुवाहाटी, ठीक, इसमें इन्होंने यही जाइलिटोल जो है इसको शुगर, ये शुगर के अल्टरनेटिव के रूप में विकसित करने के लिए ये विधि जो है डेवलप की है, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड जो है यूज करके फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर यानी कि जो हमारी खाद वगैरह होती है तो इसकी चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए किस एक ब्रांड के तहत एक नई परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर लागू किया है, ठीक है, तो भारत वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो है इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए। सीन द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है, ये थीम है इसको ध्यान रखिएगा। तो इस थीम के साथ विश्व जल सप्ताह 2022 मनाया गया अभी जो है 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक है ना ये मनाया जा रहा है, ठीक। तो इसका आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है ये बताना है, ठीक है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट जो है ना ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डेट जो ये वीक है और थीम जो है इसको ध्यान रखेंगे। 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में, ठीक है, तो US का एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर जो है ना, तो उसके द्वारा ये लिबर्टी मेडल जो है प्रदान किया जाता है, और जो लोग मतलब लिबर्टी के लिए एक तरीके से है ना काम करते हैं उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो है इनके एक जो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने देश को अब तक डिफेंड किया है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है ना यूक्रेनियन प्रेसिडेंट इनको अनाउंस किया है दिए जाने के लिए, ठीक। अगस्त 2022 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि जो SCO है ना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई है यहाँ पे ताशकंद में, ठीक है, तो ये किस देश की राजधानी है ये बताना है, ठीक, तो ये राजधानी है उज़्बेकिस्तान की। जनगणना 2011 के डेटा के संदर्भ में क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है किस जिले में है, तो यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा था बलरामपुर में, ऑप्शन बी, और सबसे न्यूनतम की अगर हम बात कर लें इसी के साथ तो वो बागपत में था, ठीक है। हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की गई है, ठीक है, तो अभी हमने शायद लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडिया में जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड जो बस है उसको शुरू किया गया है पुणे में, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है
ये फ्यूल बेस्ड ट्रेन जो है, तो इसकी सर्विस स्टार्ट की गई है सबसे पहली जर्मनी के अंदर। ठीक, कृषि कारोबार कंपनी गोदरेज एग्रोवेट, ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में जो पाम ऑयल होता है इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के साथ समझौता किया है। तो इनमें से कौन सा एक राज्य जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इस 3 राज्यों में, तो मेघालय जो है इसमें शामिल नहीं है, है ना, ऊपर के 3 इसमें शामिल है। तेईस अगस्त 2022 को NISCPR, ठीक है, इसके द्वारा विज्ञान प्रगति का विशेष अंक जारी किया गया है। तो 2022 में विज्ञान प्रगति पत्रिका ने प्रकाशन के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं ये बताना है, ठीक है। तो आपने जो है इस मैगजीन को देखा होगा, साइंस की जो है हिंदी में मैगजीन आती है विज्ञान प्रगति नाम से, ठीक है। तो जो इंडिया के लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साइंस के जो क्षेत्र में एंगेज्ड हैं उन सबसे संबंधित इसमें आर्टिकल्स वगैरह जो है पब्लिश किए जाते हैं, ठीक। तो अभी जो है इसने पूरे किए हैं 70 वर्ष, ठीक। अगस्त 1952 में जो है सबसे पहली बार इसका पब्लिकेशन किया गया था, ठीक है। और ये संस्थान जो है ये NISCPR, तो फुल फॉर्म है इसका, जो बेसिकली CSIR जो है ना उसके अंतर्गत कार्य करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक। तो इन्होंने अभी जो इवेंट ये ऑर्गेनाइज किया था 23 अगस्त को, स्पेशल जो ये एडिशन रिलीज किया है, ठीक। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही पार्ट था ये प्रोग्राम, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। हाल ही में विरासत और जलवायु थीम के साथ विश्व विरासत दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है, ठीक है। थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, तो ये हेरिटेज डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को, ठीक। तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया, ठीक है। तो बेसिकली लोगों के जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के क्रम में जो माइग्रेशन की कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं, ठीक है, तो इसी क्रम में जो है इस माइग्रेशन को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट बेस्ड सिस्टम डेवलप किया है यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है। प्रशांत महासागर में आयोजित हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022, ठीक है, इसमें कौन सा देश जो है शामिल नहीं था ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से अगर हम बात करें तो इंडिया था, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और US, ठीक है, फिलीपींस जो है ये नहीं था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR की रिपोर्ट जो 2021 की अभी आई थी 2022 स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इसके अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक का क्षेत्रफल जो है वो वन आच्छादित था, ठीक है। तो ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 17। यहाँ पे देखिए हमको सुमेलित करना है, 2 हमारे पास जो है कैटेगरीज हैं, उसमें कुछ जो है हिस्टोरिकल महिलाओं के नाम लिखे हैं और किस क्षेत्र से वो संबंधित रहीं, ठीक है। तो मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को अगर मिला के आप देखें तो इनके नाम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे रानी दुर्गावती हैं, ठीक है, तो गढ़ मंडल से इनको एसोसिएट करेंगे हम, महारानी अहिल्याबाई इनको होलकर राज्य से, महारानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी से, इतना तो आपको पता ही होगा, रजिया सुल्तान को दिल्ली से करेंगे, तो कौन सा कोड आ रहा है हमारे पास 3214। अब इसमें भी सुमेलित करना है तो कुछ हमारे पास प्लेसेस हैं और किस वर्तमान राज्य से संबंधित हैं ये जो है मैच करना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए जो है अगर हम सारनाथ की बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सी का 1 हो जाएगा। रामेश्वरम तमिलनाडु से, है ना, ए का 2, तो ए का 2 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, तो इससे बाकी का आंसर आ गया, ठीक है, मैच करके इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनकी लोकेशन जो है उसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो पहला ही गलत है, मानस जो है असम से संबंधित है, ठीक। इनमें से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A जो है संविधान में जोड़ा है, ठीक है, तो भाग 3 के अंदर ये अनुच्छेद ऐड किया गया, 86th अमेंडमेंट जो है 2002 वर्ष में जो आया था इसके द्वारा, ठीक है। इसमें जो प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है ना स्टेट जो जिस मैनर में डिटरमाइन करे और उसके द्वारा प्रोवाइड की जाए। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया है, ठीक है, ये बताना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है
जो जब से सेटअप हुआ है माफ कीजिएगा 1950 वर्ष से, ठीक है। तो उस समय सिर्फ एक इसमें मेंबर था जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद है, ठीक है। तो उसके बाद 1989 में जो है जो एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तो उसके द्वारा इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। तो वहीं से अक्टूबर 1989 से जो है अब ये 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट है। इसमें से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ये किसने लिखा है ज्ञान योग जरा बताइए। तो निम्नलिखित में से किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये टाइटल देख लीजिए, इसकी उपाधि दी गई है, ठीक है। तो इनका नाम है मैडम भिकाजी कामा। इसमें से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, तो ये है मलेरिया। स्टेट डेटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो स्टेट डेटा सेंटर बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसे समझिए कि आईटी जो बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्रोवाइड करता है, जो कि वेरियस ई गवर्नेंस प्रोग्राम जो है उसको कैरी आउट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटर को एस्टैब्लिश किया था सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है आपका अजंता है ना रेंजेस, ठीक है, तो ये बेसिकली जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का वहां पाई जाती है, तो हम इसको ही चूज करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर के लिए एक टास्क फोर्स जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो है अराउंड दिसंबर 2002 के टाइम पीरियड में है ना एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, है ना। तो इन्होंने रेकमेंड किया था कि एक जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रूप में जो है वैल्यूड एडेड टैक्स के प्रिंसिपल पे जो है शुरू किया जाए, ठीक है। तो वहीं से पूरा जीएसटी का जो है भारत में क्रम शुरू होता है, और बाद में जो है फर्स्ट टाइम जीएसटी का जो मेंशन किया गया वो बजट स्पीच जो थी 2006-07 की, उसमें किया गया। और फाइनली आते आते जो फाइनल ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वगैरह होते हैं ना, तो जुलाई 2017 से ये अस्तित्व में आ गया है, ये आपको पता ही होगा, ठीक। तो ए ऑप्शन को चूज कर लेंगे। जहां आरा द्वारा रचित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी जो है क्या कहलाती है, ठीक। तो यह है मुनीस अल अरवाह। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कई जगह पे ऐसा नीरी भी लिखा हुआ मिलता है आपको, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है, तो CSIR का ये एक उपक्रम है ना नीरी भी, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला, और लोकेशन भी इसकी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार, नागपुर में है। अनुसूचित जनजाति और वन सॉरी अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता, ठीक है, ये पूरा एक एक्ट है, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो इसको कब पारित किया गया था ये बताना है, तो ये एक्ट है सन 2006 का। कैस्पियन सागर निम्न में से किसके साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं कैस्पियन सी की, इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा आप, इसमें है टोटल जो है रशिया है इधर से, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इसके अलावा अजरबैजान और ईरान है, ठीक है, अफगानिस्तान और इराक नहीं है, ठीक। तो 3 और 4 वाले ऑप्शन काट देते हैं, ठीक है, 1, 2, 5। बेरिंग स्ट्रेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये किसके मध्य जो है स्थित है, ठीक। तो ये है रशिया एंड अलास्का। मैप इन सबको एक बार देख लीजिएगा जरूर। हाल ही में किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम है आयरन बीम, है ना, इसका सफल परीक्षण किया है। तो परीक्षण यहाँ पे थोड़ा हिंदी में गलत लिखा है, तो आयरन बीम जो है ये अभी जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया था इसराइल ने। सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती और अमरावती, ठीक है, इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की, ठीक है। इसके अलावा जैसे हरंगी है, शिमशा है ना, नोयाल है, ये सब भी ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की, तो इनको ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी एक ठंडी जो है धारा नहीं है, ठीक है। तो कोल्ड करंट और वार्म करंट जो पढ़ते हैं आप, तो इसमें से अलास्का जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में सांस्कृतिक
श्रेणी में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। ठीक है, तो यूनेस्को की जो टोटल हेरिटेज लिस्ट आप पढ़ते हैं तो टोटल तो है अभी 40। ठीक है, इसमें से जो कल्चरल हैं इनकी संख्या है 32। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने इसमें से जीता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हरियाणा स्टेट की जो टीम है इन्होंने जीता है, ये बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। रायसीना डायलॉग 2022 की थीम यानी कि जो विषय है वो क्या है। ठीक, तो रायसीना डायलॉग जो है दिल्ली में होता है, आपको पता होगा। 2022 का थीम है सी ऑप्शन में जो लिखा है, टेरा नोवा इम्पैशन्ड इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड, इसको चुनेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 2022 में हुआ है ये 7th एडिशन है, और जो इंडिया की एक तरीके से ऐसे समझिए कि प्रीमियर कॉन्फ्रेंस टाइप है, जिसमें फॉरेन पॉलिसी और जियो इकोनॉमिक्स इन सब के मुद्दे जो हैं इन पर कई सारे देशों के जो लोग हैं शामिल होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त कर रहे हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।